दोस्तों फेस अनलॉक के बारे में आप सबने सुना होगा, आप सब यूज भी कर रहे होंगे कि भैया फोन को अपने फेस के सामने रख के फोन को हम कर लेते हैं अनलॉक। लेकिन बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर भैया कोई भी आपकी जो फोटो है वो आपके फोन के सामने रख देता है और फोन जो है उसे कर देता है अनलॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में कि फेस अनलॉक कितना सेफ है, कितना सिक्योर है और ये कैसे काम करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गुरु जी। तो फेस अनलॉक मार्केट में बहुत पहले से आ चुके थे लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि वो इतने ज्यादा फेमस नहीं थे, इतने ज्यादा सिक्योर नहीं थे, इतने ज्यादा सेफ नहीं थे। तो हम उनके बदले वहां पे यूज करते थे पैटर्न लॉक को या फिर एक नॉर्मल पासवर्ड को। लेकिन आज की डेट में आप मान के चलो कि एक फैशन सा बन गया है, आप कोई भी फोन उठा के देखते हैं तो आपको सबसे पहले वहां पे देखने को मिल जाएगा फेस अनलॉक सिस्टम। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो फेस अनलॉक रियल में वर्क कर रहा है या फिर और आपको कर रहा है वहां पे मैनिपुलेट। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल जितने भी आज के डेट में फोन्स है उन सबके अंदर फ्रंट कैमरा जो है वो आपकी फोटो को वहां पे कर लेता है कैप्चर और बस वही भी आप एक काम नाम दे रखा है उसको फेस अनलॉक का। लेकिन एक्चुअल जो फेस अनलॉक सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाएगा आईफोन एक्स के अंदर, ओप्पो फाइंड एक्स के अंदर और भी दो तीन फोन है, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 है, जहां पर आपको एक्चुअल के अंदर फेस अनलॉक सिस्टम देखने को मिलता है। क्योंकि वहां पर एक्चुअल का ना हार्डवेयर दिया गया इस चीज के लिए, स्पेशली फेस अनलॉक के लिए, जहां पर आपको डॉट प्रोजेक्टर, फ्लैट इन्फ्लेटर ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो वो आपके चेहरे को एक्चुअल के अंदर 3D के अंदर स्कैन करते हैं कि भैया आपके चेहरे के जैसे ही आप अपना चेहरा उसके सामने रखते हैं वो उसको 3D के अंदर स्कैन करते हैं आपके डॉटिंग सिस्टम के थ्रू। भैया आपके जो चिक्स है वो कितने बाहर निकले हैं, आपकी चिन कितनी लंबी है, आपकी नोज कैसी है, आपकी आईज कैसी है, आपके चेहरे का सारा हिसाब किताब वहां पे कैसा है, तो उसके अंदर सारा कुछ उसको स्कैन करके बाद में आपका जो फेस अनलॉक है वो करता है वर्क। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल्स की, तो ऑलमोस्ट 80-90% जो भी एंड्रॉयड मोबाइल्स है जहां पर वो दावा करते हैं कि भैया हमारा फोन सपोर्ट कर रहा है फेस अनलॉक को, तो वहां पर ये सच्चाई है कि उनका जो फ्रंट कैमरा है वो आपके चेहरे की एक इमेज बना लेता है 2D के अंदर या फिर जैसे भी एक बस इमेज कैप्चर कर ली, जैसा कि आप फ्रंट कैमरे से कोई फोटो कैप्चर करते हैं वैसे। और भैया जैसे आप अपना चेहरा उसके सामने रखते हैं तो बस फोटो के अकॉर्डिंगली आपका चेहरा स्कैन करके और आपके फोन को कर देता है अनलॉक, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि इसके जरिए जो मान लीजिए अगर किसी को आपके फोन के साथ कुछ छेड़छाड़ी करनी है तो वो आपके एक नॉर्मल फोटो को भी आपके फोन के सामने रखकर उसको अनलॉक कर सकता है। और पास्ट के अंदर आप सर्च भी कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर भैया सिर्फ और सिर्फ फोटो को सामने रखे फोन को कर दिया था अनलॉक और बहुत से डाटा लीकेज का मामला सामने आया था। भैया ये था कुछ फेस अनलॉक के बारे में, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर फ्रंट कैमरे के अंदर हमें मैनिपुलेट करके एंड्रॉयड मोबाइल फेस अनलॉक को बात करके यहां पर मार्केट के अंदर अपनी जगह बना रखी है। लेकिन कुछ ऐसे फोन्स भी है, 4-5 फोन ऐसे भी हैं जो एक्चुअल के अंदर फेस अनलॉक के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये था फेस अनलॉक के बारे में सारी जानकारी, मैंने कोशिश की आपको फेस अनलॉक के बारे में बताने की कि कैसे फेस अनलॉक वर्क करता है, हमारे लिए सेफ है या नहीं है, सिक्योर है या नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन व्यूवर्स ने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया हो यहाँ पर रेड बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी और एंड्रॉयड मोबाइल्स की वीडियो डेली लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों हमारे चैनल पर Redmi Note 7 Pro और Vivo V15 Pro के गिव अवे का एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है, लेकिन अभी तक अगर आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो अब यहाँ लिंक आपको दिखाई दे रही होगी, आप यहाँ जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर मैं करने वाला हूँ 50% डिस्काउंट के अंदर Redmi Note 7 और Vivo V15 Pro का गिव अवे। आपको पार्टिसिपेट करने के लिए करना है हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और जो भी एक रैंडम पिक रिगार्डिंग जो भी कमेंट पिक की जाएगी वो बन जाएगा हमारे Redmi Note 7 Pro और Vivo 15 Pro का विनर। तो दोस्तों किस बात की देर है, चलिए।